जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का ये बेबी पाउडर उनको इतना महंगा पड़ा कि उनको देना पड़ सकता है 70,000 करोड़ का फाइन। इनफैक्ट जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी पाउडर को बैन करना पड़ गया जब उन्हें ये पता चला कि उनके इस बेबी पाउडर से हो सकता है कैंसर। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स प्राइवेट लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है। Johnson's baby powder is being officially pulled from the market in 2023. इस पाउडर में मिले हानिकारक फाइबर एस्बेस्टस के कारण लोगों में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। बात कुछ ऐसी है कि 2018 में लगभग 22 औरतों ने मिलकर जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी पे केस कर दिया था जब उन्हें ये पता चला कि उनके टैल्कम बेबी पाउडर में एस्बेस्टस का यूज किया जाता है, उससे कैंसर हो जाता है। तो जॉनसन्स एंड जॉनसन्स को लगभग 38,000 करोड़ उन 22 औरतों को देना पड़ गया। एस्बेस्टस होता क्या है, एस्बेस्टस से कैंसर होता कैसे है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एस्बेस्टस एक नेचुरल मिनरल है जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसे हम ज्यादातर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज करते हैं। इस मटेरियल में ऐसा इंसुलेशन होता है जिससे कि साउंड प्रूफिंग, फायर प्रोटेक्शन, कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इसे टैल्कम पाउडर में मॉइस्चर से बचाने के लिए यूज करते हैं। जब भी ये टैल्क पाउडर हम बच्चों पे यूज करते हैं तो इसमें से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो कि बच्चे इनहेल करते हैं, और जैसे ही बच्चे इनहेल करते हैं तो उनसे उनके लंग पे जाकर असर होता है जिससे कि लंग कैंसर या ओवेरियन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये यूएसए और कनाडा में तो बैन हो गया, लेकिन इन दोनों देशों के बाहर उनकी ये टैल्कम बेबी पाउडर की सेल्स इतनी हाई थी कि उन्होंने जानबूझकर इसका प्रोडक्शन बंद नहीं किया, और फाइनली करते करते 38,000 केसेस पेंडिंग हो गए। इस कंपनी को अपने इस प्रोडक्ट के बारे में पता था कि वो अपने पाउडर में एस्बेस्टस यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बिल्कुल रोका नहीं। अब 2023 में फाइनली जॉनसन्स एंड जॉनसन्स ने अपने इस टैल्कम बेस्ड बेबी पाउडर को ग्लोबली बंद करने का डिसीजन लिया है। उम्मीद है आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और आप ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ जरूर शेयर करेंगे जो आज भी जॉनसन्स एंड जॉनसन्स पे इतना भरोसा करते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने हमेशा लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।